आज किस तरह की बैठक हुई यहाँ पे? जन चौपाल था जिले का पदाधिकारियों और अधिकारियों के बीच में जन चौपाल। जी जी, तो अभी डीआईएस महोदय से किस तरह की झड़प हुई सर? किसी से नहीं, वो लगा गुंडाई करने, वो नेताओं को ही दोष देने लगा। जी जी, उसी पर जो है नेता लोग थोड़ा प्रतिकार कर दिया। उसके बाद आज भी जो है माननीय विधायकी द्वारा कुछ प्रकरण ऐसे रखे गए। अब चूंकि अगर आप किसी के अधिकारी के सामने कोई प्रकरण रख रहे हैं, उसके सामने भी कोई फाइल है नहीं और उसमें कुछ दूसरा पक्ष भी है, वो कहना चाह रहा है, उन्होंने उठ करके अपने स्थान पर और वही शुरुआत की। और चूंकि उस जो घटना का संदर्भ वो वाला था, इनके आवास पर जा करके जिस प्रकार से इन पर लांछन लगाए गए थे, इनके द्वारा उठ करके अपने स्थान पर यही कहा गया कि सब मैं माननीय विधायक जी जो है वो कानून नहीं है, वो कानून के वो निर्मित जरूर करते हैं माननीय विधायिका में बैठ के, और वो कानून नहीं है, ये उन्होंने कहा। और ये कहा कि साहब मैं डरता नहीं हूँ किसी से, माननीय विधायक जी से भी नहीं डरता हूँ। इससे माननीय विधायक जी उत्तेजित हो गए। अच्छा, मेरी समझ में उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा, हम लोग सभी को निर्भीक होना चाहिए। एक तो एक तरह से सरकार की उपलब्धि, यदि एक अधिकारी ये कह रहा है, डीआईएस ये कह रहा है, डीआईएस बलिया ये कह रहा है कि साहब मैं डरता नहीं हूँ किसी से, तो ये तो सरकार की उपलब्धि है। सब लोग जानते हैं, मेरे लिए विशेषकर दुख की बात है, सबके लिए चिंता की बात है कि यहाँ पे अवैध नियुक्तियों की स्थिति ऐसी है कि जनपद बलिया प्रदेश में इस बात के लिए बदनाम है। उसको ठीक करने के लिए मुझे शासन से आदेश है, उसको मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। इन लोगों ने इस तरह के इतने मुकदमे बना रखे हैं यहाँ पे कि सही आदमी का वाजिब काम वास्तव में होने में विलम्ब होता है। कुछ लोग कुछ दिनों से अपना गलत काम कराने के लिए तरह तरह के उपक्रम कर रहे थे। पिछली घटना में भी मेरे घर में किसी युवती के होने, दो युवतियों के होने बात कही गई। कुछ लोगों मैंने कहा किसी का नाम नहीं रख रहा है। नहीं, इसमें दो मेरे सामने जो दो नाम आया था वो रवि तिवारी जी का आया था, जो विश्वनाथ तिवारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य के पुत्र हैं। मुलाकात नहीं है, मुझे बताया गया और ये भी बताया गया, बात में उसका समर्थन नहीं कर सकता कि सही होगा। माननीय विधायक बैरिया जी भी इस बात को कहे थे और मैं इसका सामना कर रहा हूँ। और जिलाधिकारी महोदय का, डीएम सर का मुझे संरक्षण निर्देशन सकारात्मक कार्यों के लिए प्राप्त है। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था कि कानून का मैं प्रतिनिधि हूँ, कानून द्वारा सुरक्षित संरक्षित व्यक्ति हूँ, मेरा पूरा गार्जियनशिप परिवार यहाँ विद्यमान है, मुझे डर नहीं लगती, मैं कहना चाह रहा था। लेकिन उसको कुछ लोगों ने, श्री विनोद दुबे जी ने विशेषकर, मैं देख रहा था, उन्होंने इस चीज़ को दूसरे लाइन पर ले गए। आप माननीय विधायक जी को धमकी दे रहे हैं, उन्होंने बात ही मोड़ दिया और मुझे इस बात का कष्ट विशेष रूप से सोच हुआ है कि वो मैं अपनी बात को, एक विद्यार्थी, एक छोटा भाई, एक भाजपा जिला अध्यक्ष, जी हाँ, श्री विनोद दुबे जी, वो बहुत दिनों से इस तरह कुचक रच रहे हैं, वो धमकी दे रहे थे, उसी पर विधायक जी भड़क गए। जी हाँ, निश्चित रूप से मैं देख रहा था। उन्हीं को बहकावा पर है। हाँ हाँ जी, विधायक उन्हीं से बहकावा पर है। उन्होंने ही पहले शब्द कहा, चूंकि मैं सामने खड़ा था, क्या विधायक जी को धमकी दे रहे हैं।